हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं मिस्टर सुमित से, जो एडवांस एक्सेल ट्रेनर, कि उनके पास क्या नया है आज के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं वीलुकअप की। वीलुकअप के अंदर अभी तक हमें पता है कि हम लेफ्ट टू राइट किसी भी कॉलम की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे को चाहिए कि हमारा जो क्वेरी है वो ये है कि हमें राइट टू लेफ्ट वीलुकअप के अंदर वैल्यू लेनी है। तो अभी तक ये किसी को नहीं पता कि किस तरीके से करते हैं इसको, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वीलुकअप के अंदर राइट टू लेफ्ट वैल्यू उठानी है। तो फ्रेंड, जैसे कि अब हम अभी बात कर रहे थे वीलुकअप के बारे में, अभी तक दोस्तों आप जैसे वीलुकअप का यूज करते थे तो आप हमेशा यूज करते थे कि हमारा जो डाटा हम फेच करते हैं वो रो हमारी फर्स्ट में होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में होती है। तो मान लीजिए कभी आपके पास डाटा आ जाता है कि आपकी रो लेफ्ट में ना होकर सेंटर ऑफ द पोजीशन है, या थोड़ी राइट में है, या कहीं और है, लोकेशन उसकी फर्स्ट में नहीं है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, तो आप वीलुकअप को कैसे आप यूज करेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि वीलुकअप का यूज तब कैसे करना है जब हमारी जो रो है, जो कॉलम है, वो हमारा सेंटर में है या राइट साइड पे है। देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो हमारी लेफ्ट रो है, जो हमारा की डाटा जिसके बेस में हमें सर्च करना है, उसे हम राइट में ले लेते हैं। तो ये हमारा डाटा हो गया और जिसके बेस में हमारे को सर्च करना है, यहाँ पे हमारे को व्यू लुकअप लगाना है। तो हम व्यू लुकअप लगाते हैं यहाँ पर, जैसे कि व्यू लुकअप फॉर्मूला है हमारा। इसके अंदर हमारी लुकअप वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी G2। तो G2 को हम फ्रीज कर देते हैं, हाफ फ्रीज करते हैं, यहाँ पे हमारा सिर्फ कॉलम फ्रीज होगा। इसके बाद जो हमारा टेबल एरे है, टेबल एरे का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे को वैल्यू सर्च करनी है। तो मेन काम हमारे को यहीं पे करना है, यहाँ पे हमारे को चूज फार्मूला लगाना है, चूज का फंक्शन लगाना है। तो ये फार्मूला हमने फंक्शन लगा दिया। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल टेबल बना लेते हैं। वर्चुअल टेबल का हम कैसे बनाते हैं, हमें चूज के अंदर लगाना है, एक टेबल एरे देना होता है कर्ली ब्रेसेस के साथ, 1, 2, 3। ये हमने 3 कॉलम बना लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर अपने जो हमने वैल्यूज लेनी है, यानी कि जो पहली वैल्यू आएगी हमारी वो कौन सी आएगी, वो हमारी आएगी D रो, यानी कि ये आएगी पहली वैल्यू हो गई, इसे हम फुल फ्रीज कर देते हैं। जो हमारी सेकंड वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी जो हम लुकअप करना चाहते हैं। तो अभी हमारी है दूसरी वैल्यू है हमारी नेम की, इसे भी हम फुल फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद हम जो तीसरी वैल्यू लेंगे वो हमारी होगी मार्क्स की, तो इसे भी हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज के लिए हमारी शॉर्ट कमांड यूज होती है F4। अब हमने यहाँ पर चूज का फंक्शन लगा दिया है, जो कि हमारा टेबल एरे बन चुका है। ये वर्चुअल टेबल हमारी बन गई है, कॉलम इंडेक्स हमें इसके बेस पर, हमारा जो जी कॉलम है उसके बेस पर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, वो हमें चाहिए B वैल्यू, यानी कि हमारे को अब नेम चाहिए। तो हम यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स दे देंगे 2 एंड एग्जैक्ट मैच, यानी कि 0। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा फॉर्मूला लग गया, नाम हमारा बिल्कुल ठीक आ गया कमल। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं मार्क्स की तरफ। मार्क्स हमारे को कॉलम इंडेक्स चेंज करना है। ये हमेशा याद रखना है कि जो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स देंगे वो हमारा जो सामने हमारे को टेबल दिख रही है, यानी कि बी सी और डी कॉलम की टेबल दिख रही है, उससे नहीं लेना। हमारे को कॉलम इंडेक्स लेना है हमारे को रो के, जो हमने चूज फंक्शन के अंदर हमने टेबल दिया उसके अंदर से, यानी कि हमारी पहली कॉलम ये है, दूसरा इंडेक्स ये है और तीसरा इंडेक्स ये है, यानी कि सी कॉलम। तो सी कॉलम हमारा जो वर्चुअल टेबल के अंदर आ रहा है, जो हमारा चूज फंक्शन के अंदर आ रहा है, उसका हमारे को लिंक देना, वहाँ पे इंडेक्स देना है, यानी कि 3। तो ये हमारा बन गया है और यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं, 90 आ गया। और देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर पूरा ट्रैक कर दीजिए, आपकी वर्चुअल टेबल के बेस पे हमने वीलुकअप लगा दिया है। तो यही एक छोटा सा फंक्शन लगता है चूज का, जिसको हम वीलुकअप के साथ यूज करके वीलुकअप की जो फेचिंग डाटा मोड है, जो हम जिस भी डाटा को यूज करते हैं लेफ्ट की जगह, हम उसको राइट से भी यूज कर सकते हैं या कहीं भी सेंटर पोजीशन से भी यूज कर सकते हैं।